क्वेश्चन नंबर फिफ्थ हमें क्या कह रहा है, फाइंड फाइव रैशनल नंबर। अभी हमने 10 रैशनल नंबर पता करे थे, अब हमें कितने पता करने, 5 रैशनल नंबर किसके बीच में, 2 अपॉन 3 और 4 अपॉन 5 के बीच के। ठीक है, तो सबसे पहले हमने कौन से प्रोसेसर की थी, सबसे पहले हमने क्या किया था, डिनोमिनेटर को सेम किया था। तो चलो पहले डिनोमिनेटर को सेम कर लेते, 2 अपॉन 3 एंड 4 अपॉन 5। अब इनके डिनोमिनेटर को सेम करना है तो क्या करना है, तो पता लग गया ना क्या करेंगे, इसको इसके डिनोमिनेटर इनके साथ मल्टीप्लाई, इसके डिनोमिनेटर को इसके साथ मल्टीप्लाई। ठीक है, तो क्या आ गया, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, नेक्स्ट 4 3 जा 12 एंड 5 3 जा 15। तो बेटा ये हो गए दोनों के डिनोमिनेटर सेम। ठीक है, अब देखो हमें इनके बीच में 5 रैशनल नंबर पता करने हैं, तो डिनोमिनेटर तो सेम हो गए, इनसे हमें कोई मतलब नहीं, हमें क्या करना है न्यूमिनेटर्स को देखना है। 10 और 12 के बीच में सिर्फ 11 ही आ रहा है ना, तो इट मीन्स हमें 5 कहाँ से मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो अभी हमें इनके बीच में कम से कम 3 या 4 रैशनल नंबर और चाहिए, तो हम इसको थोड़ा और डिजिट से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। अब इसको हम कर लेते हैं 3 से मल्टीप्लाई, चलिए देखते हैं कि 3 से आता है कि नहीं। ठीक है, आप ज्यादा से कर सकते हो, आपके ज्यादा रैशनल नंबर आ सकते हैं लेकिन कम नहीं आने चाहिए। ठीक है, तो 10 3 जा 30, 15 3 जा 45, 12 3 जा 36 एंड 15 3 जा 45। अब देखो बेटा हमें इनके बीच में सिर्फ 5 रैशनल नंबर चाहिए ना, तो अब आप देखो 30 है यहाँ पे, क्या है 36, तो हम इसके 5 रैशनल नंबर लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, देखो 30 के बीच में, ठीक है, 30 और 36 के बीच में कितना आ जाएगा, 31 अपॉन 45, 32 अपॉन 45, 33 अपॉन 45। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास 34 अपॉन 45, उसके बाद 35 अपॉन 45। ठीक है, ये दोनों के बीच के रैशनल नंबर हो गए हमारे 5 रैशनल नंबर। ठीक है, तो आप ज्यादा से, आप सोचोगे मैम कैसे पता लगा 3 से, देखो हमारे पहले में क्या था, सिर्फ 1 ही आ रहा था ना बीच में, तो हमने अपना अंदाजा लगाया कि क्या कहते हैं, अगर हम 3 से करेंगे तो शायद हमारे 5 आ जाए। आप 4 से भी कर सकते हो, 5 से भी कर सकते हो, ज्यादा से कर सकते हो, पर कम नहीं आना चाहिए। ठीक है, आप कोई भी रैशनल नंबर निकाल सकते हो, बस वो उन दोनों के बीच के होने चाहिए। ठीक है, तो करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन इसका, फिफ्थ का सेकंड पार्ट। तो नेक्स्ट पार्ट में बेटा हमने क्या करना है, -3 / 2 एंड 5 / 3 के बीच का रैशनल नंबर हमें पता करना है। ठीक है, तो अब आपको पता ही लग गया क्या करना है हमें, -3 / 2 एंड 5 / 3 इनके जो डिनोमिनेटर्स हैं उनको क्या करना है, सेम करना है। तो चलिए सेम करते हैं। ठीक है, सेम कैसे करेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इसके साथ 2 / 2। चलिए देखो क्या आ गया, 3 3 जा 9, ठीक है माइनस है इसलिए क्या आ गया, माइनस का 9। 3 2 जा 6, उसके बाद 5 2 जा 10 एंड 3 2 जा 6। अब देखो क्या इनके बीच में 5 रैशनल नंबर आ रहे हैं, तो माइनस 9 से अगर हम 10 के बीच जाएंगे बेटा तो देखो कितने नंबर्स आ जाते हैं, माइनस 8 अपॉन 6। ठीक है, यहाँ डिनोमिनेटर तो हमारे सेम हो गए, उससे कोई मतलब नहीं है, माइनस 7 अपॉन 6, माइनस 6 अपॉन 6, माइनस 5 अपॉन 6, ठीक है माइनस 4 अपॉन 6। तो इन दोनों के बीच में हमें क्या हो गए, मिल गए 5 रैशनल नंबर, तो हमें और कुछ इसमें करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये हो गए इसके 5 रैशनल नंबर। नेक्स्ट करते हैं इसका पार्ट, पार्ट थर्ड। तो थर्ड पार्ट है हमारा बेटा 1/4 एंड 1/2 के बीच के रैशनल नंबर, 5 रैशनल नंबर पता करना है। तो हम क्या करेंगे, 1/4 1/2, आप समझ गए क्या करना है, हमने डिनोमिनेटर को सेम करना है। तो चलिए डिनोमिनेटर को सेम करते हैं, 2/2 और यहां पर इसे 4/4, क्या आ गया हमारा, 2 1 2, 4 2 8, 4 1 4, 4 2 8। ठीक है, अब 5 रैशनल नंबर पता करने हैं, तो देखो यहाँ 2 है, बीच में 3 सिर्फ 1 आ रहा है, इतने समय इसको और आगे लेके जाना पड़ेगा ना, हमें और रैशनल नंबर चाहिए, हमें 5 चाहिए। तो मैं इसको कर देती हूँ फिर से 3 / 3 से, 3 / 3 से। ठीक है, अब देखते हैं क्या आ जाता है, 3 2 6, 8 3 24,
12 एंड 8 3 जा 24। अब देखो यहां 6 से यहां 12 है, इनके बीच में देखो कितने आते हैं 7 8 9 10 11 फाइव रेशनल नंबर आ गए ना, तो अब इसको लिखते थे क्या लिख रही है हम, 6 के बाद क्या आ गया हमारा 7 upon 24, 8 upon 24, ठीक है 9 upon 24, 10 upon 24, 11 upon 24। तो हमारे 6 और 12 के बीच के क्या हो गए 5 रैशनल नंबर। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये पार्ट अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। आपको कोई भी डिजिट दे दी जाए तो आप वो रैशनल नंबर पता कर सकते हैं। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 6 कि राइट 5 रैशनल नंबर ग्रेटर देन -2। -2 से ग्रेटर देन 5 रैशनल नंबर, अगर आपने प्रीवियस क्वेश्चन को देखा होगा तो आपको ये समझ आ गया होगा। तो -2 से ग्रेटर देन क्या होगा बेटा, -2 से अगर इस साइड को आएंगे नंबर लाइन पे तो वो क्या हो जाएगा स्मॉल हो जाएगा, लेकिन -2 से अगर हम उधर की साइड राइट साइड जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा ग्रेटर। तो राइट साइड जाने के लिए हमारे पास कौन कौन से नंबर आ जाते हैं, हम इसको लिख सकते हैं कौन सा -2, -2 के बाद -1, ठीक है -1 के बाद क्या आ जाता है 0, आप 0 लिखो नहीं ठीक है, उसके बाद क्या आ गया आपके पास 0 के बाद 1 एंड देन 2, इतने हो गए। ये -2 के बाद ही आपको 5 लिखने हैं ना, 1 2 3 4 एंड 2 के बाद क्या आएगा 5, ये आपके क्या हो गए 5 रैशनल नंबर, ठीक है। तो ये आपने काउंट नहीं करना, इसको छोड़ के आपने काउंट करने हैं 5 रैशनल नंबर। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपको फाइंड 10 रैशनल नंबर पता करना है, ठीक है। तो 10 रैशनल नंबर पता करने के लिए सबसे पहले हमने क्या किया था, दोनों के डिनोमिनेटर को सेम किया था। चलो पहले डिनोमिनेटर को हम सेम कर लेते हैं, तो 3/5 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसके डिनोमिनेटर से, ठीक है। उसके बाद 3/4 इसकी मल्टीप्लाई किससे करेंगे, इसके डिनोमिनेटर से, 5/5, ठीक है। क्या आ गया हमारा 4 3 4 3 आ गया 12, 4 5 20, 5 3 50 और 5 4 20। चलो दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो गए। अब देखो यहाँ पर बेटा 12 और 15 के बीच में कितने आ रहे हैं, बस 2 आ रहे हैं ना, हमें कितने चाहिए 10 चाहिए। तो हम इसमें और आगे करके देखें, अगर मैं इसको किससे करूँ 4 से, तो अगर 12 के 4 से करूंगी तो कितने नंबर आ सकते हैं, पहले हम कॉन्सेप्ट में सोच के देखे थे, जो करके देखे थे 4/4, अगर मैं 4 से इसको करूँ, इसको भी 4/4 से करूँ, डिनोमिनेटर तो हमारा सेम हो गए, हमें न्यूमिनेटर को ही बढ़ाना है, ठीक है। तो 12 4 48, ठीक है, और 24 80, नेक्स्ट 15 4 60, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है 24 80। अब देखो बेटा 48 और 60 के बीच में 10 रैशनल नंबर आ रहे हैं ना, देखो कैसे 48, उसके बाद हम काउंट करके देख लेते हैं 48 के बाद हमने क्या लेना है 40, क्योंकि हमें कहाँ जाना है 60 के पास जाना है, 47/80, 47 से नहीं हम आगे को जाना है, क्या आ जाएगा यहाँ पर 49/80, ठीक है, क्योंकि हमारा 48 से 60 के पास जाना है आगे बढ़ा रहा है, ठीक है। 50/80, 51/80, 52/80, ठीक है, 53/80, 54/80, 55/80, 56/80, 57/80, कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक और हो गया 58/80, ठीक है। तो ये क्या हो गए हमारे 48 और 60 के बीच के 10 रैशनल नंबर, ठीक है। तो रैशनल नंबर बेटा आपको समझ आ गया कि ज्यादा हो सकते हैं, आप 48 से भी आगे हो सकते हैं, लेकिन उससे कम नहीं लेना, कि इनके बीच में आपके कम से कम 10 डिजिट तो आनी ही आनी चाहिए रैशनल नंबर, ठीक है बेटा। तो आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ आ गया हो, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर देना, और बेल आइकन को दबाना मत भूलना। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय।